तिरुपति बालाजी के मंदिर में शुद्धिकरण हुआ। 8 पुजारी और 3 आगम सलाहकार की अगुवाई में 4 घंटे तक चले अनुष्ठान के दौरान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चार के बीच माफी मांगी गई। पवित्र अग्नि और पंच गव्य से पूरे मंदिर को शुद्ध किया गया। लेकिन तब तक प्रसाद वाला विवाद तिरुपति से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी लांघकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन पहुंच गया। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने प्रसाद विवाद में योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ भी मिल गया। इन पंडे पुजारियों संत महंत धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत इस बात को तय करता है कि हिंदू धर्म के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदार पंडे पुजारी संत महंत ही है। हमले तेज हुए तो योगी सरकार के बचाव में मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए, बोले प्रसाद पर भ्रम न फैलाएं। आस्था पर आक्रमण और विश्वास के साथ विश्वासघात का सीधा केस दिखाई पड़ता है कि हर धार्मिक स्थल के लड्डुओं में जो है वो चर्बी ढूंढने की जरूरत किसी को नहीं है, इस तरह का भय भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का है सब लोग बाहर से चढ़ावा लेके आते हैं, ले आके चढ़ाते हैं। अब बाहर चूँकि व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी निश्चित रूप से कानून से डरता है, ऐसी मिलावट नहीं करता। लेकिन बीजेपी के ही नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे ठान कर बैठे थे कि मिलावट के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है, जरा एक बार जांच कराओ ना। एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोंक दिया। प्रसाद पर विवाद का मामला कितना गंभीर मोड़ ले सकता है, तिरुपति वाला उदाहरण सामने था और योगी सरकार पहले से सतर्क थी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। हालांकि प्रसाद विवाद से निपटने के लिए कई मंदिर खुद भी कदम उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक है लखनऊ का मन कामेश्वर मंदिर, जिसने बाहर का प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी है। उनसे अनुरोध रहेगा कि आप घर से कुछ भी बनाएं या फल चढ़ाएं या जो भी आपको सही लगे, घर के घी के बने का भी पकवान कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।